दोस्तों हमने बचपन से ही कहानियों में स्वर्ग और नर्क का जिक्र तो सुना ही है। स्वर्ग जहां मरने के बाद अप्सराएं आपका स्वागत करती है, नर्क जहां आपको अपनी सजा भोगनी पड़ती है, या कहिए वो जगह जहां आपको अपने पापों का दंड मिलता है। नर्क के इन सजाओं के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिससे यहां पर आपको धरती पर किए गए पापों के कारण गर्म तेल की कढ़ाई में तला जाता है, आप पर खून पीने वाले कीड़े छोड़ दिए जाते हैं, आप पर अनगिनत कोड़े बरसाए जाते हैं और भी ना जाने क्या क्या। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, पर आज हम आपको धरती पर मौजूद कुछ ऐसे भयंकर सजाओं के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र आपने कहानियों में नहीं सुना होगा। इनके आगे नर्क की सजाएं भी आपको कुछ नहीं लगेंगी। आप भले ही नर्क के वजूद को ना माने, पर ये सजाएं देखकर आपको पता लग जाएगा कि नर्क कहीं और नहीं, यही धरती पर है। दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको महिला से जुड़ी वो सजा के बारे में भी बताएंगे जिसे सुनकर रोंगटे तो छोड़िए, ये आपको सर से पैर तक हिला कर रख देगी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। दोस्तों धरती पर मौजूद भयंकर सजाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉइलिंग वाटर पनिशमेंट की। उबले हुए पानी या गर्म पानी की हमें जरूरत पड़े या ना पड़े, पर ठंड के मौसम में इसे नहाकर या सिर्फ इसमें पैर डालकर कितना सुकून मिल जाता है। कितनी ठंडी लग रही भैया, ठंडी बहुत है भाई। पर जरा सोचिए, अगर पानी हद से ज्यादा गर्म हो तो क्या आप उस पानी में नहाएंगे? आप उसे छुएंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इससे आपको तकलीफ होगी। और जरा ये सोचकर देखिए कि गर्म उबलते हुए पानी के बर्तन में अगर आपको सीधा अंदर डाल दिया जाए तब आपका क्या होगा। बहुत समय पहले पूर्वी एशिया से लेकर इंग्लैंड जैसे देशों में भी इस सजा का प्रचलन था। जब किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था तो उसे फांसी या उम्रकैद नहीं, बल्कि गर्म उबलते पानी में सीधा डाल दिया जाता था और उसे तब तक तड़पाया जाता जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। कई मामलों में अगर दोषी का पाप ज्यादा बड़ा होता तो उसे पहले बर्फ से जमे ठंडे पानी में डाला जाता और फिर सीधा गर्म पानी के अंदर। सोचिए इससे कितनी तकलीफ होती होगी। कई लोग तो गर्म पानी के अलावा दोषियों को गर्म तेल या कभी तो गर्म तारकोल में भी डाल दिया करते थे। दूसरे नंबर पर आती है ब्रेजन बुल पनिशमेंट। जब भी आप किसी चीता को जलते हुए देखते हैं तो आपके मन में ये ख्याल तो आता होगा कि अगर इस बेजान इंसान की जगह किसी जिंदा इंसान को रख दिया जाए तो बेचारा कितना तड़प तड़प के मरेगा। ब्रेजन बुल की सजा में कुछ ऐसा ही होता है, बस तरीका और भी भयानक है। ग्रीस में कई साल पहले दोषियों को एक सजा दी जाती थी जिसमें एक मेटल के बुल के अंदर उनको रखा जाता था और उसके नीचे आग लगा दी जाती थी। जैसे जैसे आग की लपटें बढ़ती थी अंदर बैठा दोषी की चीखें और भी भयानक हो जाती थी। बुल के मुंह से धुआं निकलने की जगह बनाई गई थी जिसमें जब शुरुआती लपटें घेरती थी तो सफेद धुआं निकलता था और फिर बाद में अंदर बैठा दोषी जलने लगता था तो काला गाढ़ा धुआं और जब वो गलने लगता था तो लाल धुआं निकला करता था। दोषी को तब तक उसमें तड़पाया जाता था जब तक बुल के अंदर से उसकी चीख निकलना शांत न हो जाए, या फिर ये कहे दोषी जब तक मर ना जाए। तीसरे नंबर पर आती है आयरन मैडन पनिशमेंट। दोस्तों आपने मम्मी के बारे में तो सुना ही होगा। इजिप्ट में पहले मरे हुए इंसानों को मम्मी बनाकर ताबूत में रख दिया जाता था, वैसे ही ताबूत जैसे शेप के केस में दी जाती थी आयरन मैडन की ये सजा। दोस्तों इसमें दोषियों को रखा जाता था जिसके दरवाजे पर लगे होते थे भयंकर नुकीले और बड़ी बड़ी कीले, और जब केस के दरवाजे बंद किए जाते थे तो कीले सीधे दोषियों की बॉडी में घुस जाते थे। वहीं इन नुकीले कीलों के बीच फंसा हुआ तब तक तड़पता रहता जब तक कि उसकी जान नहीं निकल जाती। चौथे नंबर पर आता है क्रश्ड बाय एलिफेंट। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जहां एक तरफ हाथियों को सदियों से पूजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ वहां हाथी मौत के सौदागर माने जाते हैं। दरअसल यहां पापियों के लिए एक सजा का प्रचलन है, उनको सजा सुनाने के बाद हाथी के पैरों तले कुचल दिया जाता है। अब आप सोचिए कि जब आपकी गाड़ी के नीचे कोई छोटा सा जानवर जैसे चूहा या गिलहरी आ जाती है तो उसकी चीख भी नहीं निकल पाती और उसकी मौत हो जाती है। वैसे इंसानों के साथ भी कभी होता था जब ये हाथी अपने पैरों तले किसी इंसान को रौंद देते थे जो इंसान की चीख निकलने से पहले उसकी मौत हो जाती थी। दोस्तों ये है ना रूह को कपा देने वाली सजा, मगर आप अभी से डरिए मत, अभी और भयंकर सजाएं बाकी है। दोस्तों पांचवें नंबर पर आता है बॉइल इन ऑयल पनिशमेंट। चाइना और जापान जैसे विकसित देशों में भी एक समय पर ऐसी सजा का प्रचलन था जिसमें कई देशों के पुराणों में इसे सजा के तौर पर देखा गया है, और ये सजा थी गर्म तेल में तले जाने की। इसमें दोषियों को न्यायालय द्वारा सजाए मौत देने के बाद एक कढ़ाई में या बर्तन में खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता था। अब छठे नंबर पर आता है लिंची। अब चाइना की बात चल रही है तो आपको चाइना की एक और सजा के बारे में भी बताते हैं। लिंची का प्रचलन चाइना में 10वीं शताब्दी में हुआ। दोस्तों आपने ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर को चीरे लगाते हुए तो देखा होगा, लेकिन ऑपरेशन खत्म होने के बाद मरीज के बॉडी पर लगाए चीरों को टाके लगाकर वापस बंद कर देते हैं। इस सजा में भी मरीज के तरह लिटाया जाता है मगर उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। दोषी के शरीर पर नुकीले धार वाले हथियार से चीरे लगाए जाते हैं मगर इसमें टाके लगाने का कोई प्रावधान नहीं होता। इसके अलावा कई देशों में ऐसी भी सजाएं थी जिसमें आदमी को उल्टा लटका कर उसके शरीर के एक एक हिस्से को आरी से काटा जाता
जाता था। देखने वालों के लिए असल में ये कितना भयंकर मंजर हुआ होगा। सातवें नंबर पर आती है नोज कटिंग पनिशमेंट। दोस्तों आज आप अपने आसपास रोज कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को होते हुए तो देखते ही होंगे, या हम ये कहे कि आप नहीं भी देखते होंगे तो भी भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पुलिस कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े नेताओं के बीच फैला हुआ है। आज इसके लिए कानून में सजा होने के बाद भी कोई सजा नहीं मिलती। और एक वक्त ऐसा था जब मिस्र में भ्रष्टाचारियों की नाक काट दी जाती थी। जी हाँ, सही सुना आपने, जो भी भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता अपनी नाक से हाथ धो बैठता। आठवें और आखिरी नंबर पर आती है रेपर ब्रेस्ट पनिशमेंट। दोस्तों ये सजा खास महिलाओं के लिए बनाई गई थी। इस सजा में इस तरह का हथियार इस्तेमाल किया जाता था जो कि एक हुक की तरह होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हथियार से दोषी महिलाओं के स्तनों को चीर दिया जाता था। पहले इसे भट्टी में गर्म कर दिया जाता और जब इसके हुक तब के लाल अंगारे जैसे हो जाते थे तो इन्हें दोषी महिलाओं के स्तनों में धसा दिया जाता और खींच के इसके अंदर से मांस को निकाल दिया जाता। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी भयंकर सजाएं जो साफ साफ ये प्रतीत कराती है कि कहानियों में जो नर्क बताया जाता था वो कहीं और नहीं बल्कि धरती पर ही मौजूद था। अगर आप भी इन सजाओं को देखकर सदमे में आ गए हो तो ये कोई नई बात नहीं है। इनके बारे में जो भी जानता है उनकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन सजाओं में से किन अपराधियों को कौन सी सजा देनी चाहिए, कमेंट बॉक्स मौजूद है। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।